अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी अब आगे हैं विंटर्स, तो अब विंटर्स के आपके लिए स्पेशल बारबेक्यू रेसिपीज हम लेके आ रहे हैं। ये वीक पूरा कोशिश करेंगे कि हम बारबेक्यू की मजे मजे की चटपटी सी आपके साथ रेसिपी शेयर करें। टुडे रेसिपी इज तंदूरी चिकन टिक्का। लेट्स सी कि हमने इसको किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आता है। चलिए जी एक बॉल ले लेते हैं, मिक्सिंग बॉल, जिसमें भी आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। उसमें क्या करेंगे हम, 2 टेबलस्पून उसमें भरकर हमने ग्रीक योगर्ट यूज करें। ज्यादा पानी वाला दही ना हो तो ही बेहतर है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये चला गया। लेमन जूस चला जाएगा 2 टेबलस्पून। बहुत इजी सा है, झटपट से बन जाता है, बस आप रात को मैरिनेशन करके रख लें। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये जाएगा गरम मसाला, होममेड है, ये तकरीबन 1 टीस्पून जाएगा। चिकन जो है ये मैंने तकरीबन लिया है, ये देखिए 3 पीसेस है और उसमें मैंने यू कट्स लगा दिए, ठीक है। ये 1/2 केजी से ज्यादा ही होंगे। अच्छा, गरम मसाला चला गया 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च ली जाएगी 1 टीस्पून, इससे बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। अच्छा, मैं बहुत चटपटा सा बना रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा। कुटा भुना जीरा और धनिया में मिक्स करके भून के उसको क्रश करके रख लेती हूँ, ये जाएगा 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मैं सॉल्ट 1 टीस्पून डालूंगी। अच्छा जी, अगेन स्पाइसेस जा रही है इसमें, 1/2 टीस्पून इसमें क्रश चिली जा रही है और 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक फ्रेश पाउडर जा रहा है, ये इसके अंदर चला गया। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, 1/2 टीस्पून से भी मैं कम डाल रही हूँ इसमें। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे फूड कलर, जो नॉर्मली हम बिरयानी वगैरह में यूज करते हैं, 2 पिंच वो डाल दिया है। अच्छा, ये सारी स्पाइसेस इसके अंदर चली गई हैं। स्पून को हम कर लेंगे रिमूव और इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है कि दही जो है उसका कोई दानेदार ना रहे, उसको अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना साइड स्पाइसेस के बीच में। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, होममेड हम इसको बना रहे हैं, बजट फ्रेंडली बिल्कुल ये है तंदूरी टिक्का, हम इसको बना रहे हैं। आप अभी विंटर है, ये पूरा मंथ इंशाल्लाह हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको ग्रिल की रेसिपीज बताएं, बारबेक्यू की रेसिपी बताएं। अच्छा, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये चिकन के पीस जो मैंने आपको बताए थे ये लेंगे। अब मैं तो ग्लास यूज कर रही हूँ, अगर आप अच्छे से हाथ धो लें, क्योंकि फूड कलर डाला हुआ है बीच में, तो इसमें हम डालेंगे ग्लास। रिटर्न रेसिपी के लिए आप कुक विद फ्रीहा वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे तमाम चीजें जो है आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगी इजीली आपको अगर वो चाहिए तो। अच्छा, ये देखिए, ये 1 बाय 1 अच्छी तरह आप इस तरह एक एक करके चिकन पीस जो है चटपटा से बना रहे, टिक्का तो हो और मजे चटपटा ना हो तो इतना मजा नहीं आता, तो हमारे घर में तो ज्यादा स्पाइसी पसंद किया जाता है। ये देखिए कितनी मजे की इसके अंदर मैरिनेशन हो गई है, ये देखिए। जस्ट आपने इसको बस मेक श्योर करना है कि सारी जो मैरिनेशन है इसके अंदर तक चली जाए। ओवरनाइट मैं इसको रख रही हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है, लाइक आपने बारबेक्यू करना है इवनिंग में करना है, तो आप मॉर्निंग में इसको करके रख सकते हैं। मेरे पास टाइम था तो मैं इसको ओवरनाइट रखूंगी, इंशाल्लाह फिर कल फ्राइडे इवनिंग में हम इसको बारबेक्यू करेंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया अच्छे से मैरिनेट, और अब हम आगे हैं इसको बारबेक्यू करने। आप चाहें तो आप इसको पैन भी बना सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स अच्छे से इसको चटपटे से और फुल ऑफ फ्लेवर के लिए हम इसको बारबेक्यू कर रहे हैं। कोयले अच्छे से जब गर्म हो जाए फिर हमने इसके ऊपर ग्रिल के ऊपर इसको डाल देना इस तरह से। अगर आप बारबेक्यू नहीं करना, आजकल मौसम बहुत अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर करें, साथ साथ आप देखते जाएं, इसको उलट पलट करते जाएं इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। साथ साथ वो जो फैन होता है उससे हवा ज़रा कोयलों को दहकाने के लिए, ग्रीन चिलीज, अनियन, जो चीज़ आपको पसंद है वो भी साथ इसके ग्रिल कर लें, और साथ साथ इसको एक दफ़ा ऑयलिंग कर लें, क्योंकि हमने मैरिनेशन में ऑयल नहीं डाला था, तो आप इसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें, घी, ऑयल, जो भी आपको पसंद हो। और ये देख लें, इतने खूबसूरत से, मज़ेदार से, चटपटे से तंदूरी हमारा टिक्का जो है वो रेडी हो रहा है। साथ साथ मैं इसको पलटती जाऊंगी ताकि दोनों साइडों से अच्छे से अंदर तक ये टेंडर हो जाए।
बहुत हमने इंजॉय किया था और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत पसंद किया था। चटपटा सा टिक्का है, साथ में कबाब्स की रेसिपी है, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। वो भी हमने किया था और वो भी बहुत मजा आया था उसका भी। साथ साथ हल्की हल्की हम ऑयलिंग कर लेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा तंदूरी टिक्का जो है वो रेडी हो गया है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये अच्छे से अंदर तक गल जाए, चेक कर लीजिएगा, ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।